नमस्कार सभी को, शुभ संध्या का गुड इवनिंग। तो आज ही हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारा डिस्कशन आज हम आपके साथ बात करेंगे। मेरा जो प्रोफेशन है वेलनेस कोच, ओके, उसके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो आप फटाफट आइए, आप आने के बाद मैं शुरू करूँगा। तो आपके साथ आज मैं मतलब न्यूट्रिशंस क्लब कैसे हैंडल किया जाता है, न्यूट्रिशंस क्लब कैसे चलाए जाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो सोनिया जी, यस गुड इवनिंग सभी को, फटाफट आइए। मैं आज वेलनेस कोच का क्या महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशंस क्लब में, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो अभी सभी हमारे जो वेलनेस कोच है वो किस तरीके से काम करते हैं, डेली मेथड ऑपरेशन उनका क्या रहता है, ओके, न्यूट्रिशंस क्लब का इम्पॉर्टेंट क्या है और फ्यूचर में न्यूट्रिशंस क्लब का क्या मतलब उसका मोट आने वाला है, उसका क्या महत्वपूर्ण रहेगा, इसके सभी बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो फटाफट आइए। तो आज मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मैं इनवाइट किया हूँ, तो बहुत सारे लोग आने की आज मतलब आशंका है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशंस क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, अभी मैं एक कांस्टेबल था, ओके, पुलिस कांस्टेबल था। तो उसके बाद मैंने मतलब जैसे ही न्यूट्रिशंस क्लब में जाके मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट्स मैंने अचीव किया, मेरा वेट लॉस किया, फैट लॉस किया, मेरा हेल्थ गोल अचीव किया, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव बनाया, मतलब हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बनाया, ओके। तो उसके बाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी में रुचि आने लगी। इस अपॉर्चुनिटी में मैं मतलब लॉन्ग विजन देखा, इस अपॉर्चुनिटी में काम करने का मैंने तय किया। तो तब जाके इसमें से इन्फॉर्मेशन लिया यहाँ पे कैसा वर्क करना है, ओके, यहाँ का वर्क मेथड क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानकारी लेके मैंने इसमें जर्नी स्टार्ट किया। तब जाके मैं मेरा पुलिस कांस्टेबल प्रोफेशन का मैंने रिज़ाइन देके इसमें फुल टाइम करना स्टार्ट किया, ओके। तो जब मैं पार्ट टाइम था तो पार्ट टाइम में मैं मॉर्निंग ओनली 3 आवर्स न्यूट्रिशन क्लब के देता था। तो जैसे ही मैंने सोलापुर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस है, ओके, जिला परिषद कंपाउंड में है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा मैं वहाँ ऑफिस में जॉब करता था। तो मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था 10 to 7-8 o'clock, मतलब उस जाने का टाइमिंग नहीं था, ओके, ऐसे कंटिन्यू मेरा टाइम ड्यूटी पर जाता था। तो मॉर्निंग ओनली मतलब न्यूट्रिशंस क्लब में जाके लोगों को मैं सर्विस देता था, लोगों को एक अच्छा हेल्प करता था। तो उसके बाद मैं नौकरी ज्वाइन करता था, मतलब मैं ऑलरेडी थ्री मंथ्स मैंने न्यूट्रिशन क्लब में जाके एक अच्छा मैंने रिज़ल्ट कमाया था। वहाँ पे मेरे वेलनेस कोच जो भी मतलब सागर दासरी करके थे, मेरे वेलनेस कोच वहाँ पे मुझे इनवाइट किया था, मेरे मेंटर थे मनोज सर, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे गाइडेंस किया, ओके, 80-20 रूल जो हम बोलते हैं, 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज के बारे में। वहाँ पे हमको बहुत एंगेज रखा सभी के साथ, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था बहुत ही अच्छा था, लोगों का रेल चलता, लोग अच्छे लोग वहाँ पे आते थे न्यूट्रिशंस क्लब में, तो हम एक ब्रेकफास्ट तौर पर वहाँ में इंजॉय करते थे। उसके बाद मैं वहाँ से ड्यूटी पर जाता था। तो लगातार मैंने मेरे स्पॉन्सर के क्लब में थ्री मंथ्स वहाँ पे गया और अच्छा मैंने रिज़ल्ट वहाँ पे किया, अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद में मैं जहाँ पे रहता था वहाँ में न्यूट्रिशन खोलने का मैंने डिसाइड किया, ओके। तो बिकॉज मैं जिस भी एरिया से आता था मेरे स्पॉन्सर के क्लब में, उसका जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर्स था, आने जाने से 12 किलोमीटर्स होता था। तो मैं सोचा कि मेरे एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर्स प्रवास करने के लिए जर्नी करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में जब मैं न्यूट्रिशंस क्लब खोलेगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन होंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट होने के लिए। तो मैंने वो सोच कर मैंने तुरंत मैंने डिसाइड किया
3 महीने के बाद। तो अच्छा, वहाँ पे मैंने मेरे न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के क्लब में ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद मेरे एरिया में आके वहाँ पे एक 1500 स्क्वायर फुट था, वहाँ में न्यूट्रिशन क्लब में लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया। तो शुरू तौर में मैं पार्ट टाइम करता था, जैसे कि मैं आपको बोला मॉर्निंग में न्यूट्रिशन क्लब में जाता था लोगों को सर्व करके, उसके बाद में फिर से यूनिफॉर्म पहन पे मैं मेरे नौकरी पर जाता था। तो लगातार ऐसा ही 1 साल 1.5 साल चलता रहा। ओके, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आने लगा, मेरा अच्छा रिजल्ट आया था, मेरे ऑफिस से लोग इंस्पायर होने लगे, ऐसे बहुत सारे लोग रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों को वहाँ हमने मैंने इनवाइट करना स्टार्ट किया। तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, बहुत सारे लोग इंस्पायर होने लगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन होने लगे, बहुत सारे लोगों का हेल्थ इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट किया। तो न्यूट्रिशन क्लब बहुत ही मतलब वहाँ पे रेलचल शुरू हो गया, बहुत सारे लोग आने लगे। तो मैंने वहाँ पे मेरा जॉब क्विट किया, मैंने पुलिस नौकरी का राजीनामा दिया वहाँ पे, तो फुल टाइम हर्बल न्यूट्रिशन में काम करना स्टार्ट किया। तो मेरे आगे ऑप्शन कुछ भी नहीं था, तो मेरा ऑप्शन, मेरे सामने एक ही ऑप्शन था, जो न्यूट्रिशन क्लब में काम करना है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है। तो बहुत सारा मैंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों को मैंने संपर्क करना स्टार्ट किया, मेरे मित्र लोगों को संपर्क करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ज्वाइन होने लगे, मेरा बिजनेस बढ़ने स्टार्ट किया, अलग अलग सिटी में मेरा बिजनेस एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ न्यूट्रिशंस क्लब में मैंने मतलब जो सोलापुर का न्यूट्रिशन क्लब था वहाँ में मैंने 2 साल निकाला। उसके बाद मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज आती है, उसके लिए मैंने कलबुर्गी, गुलबर्गा बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट होने का मैंने डिसीजन लिया। तो अभी गुलबर्गा में आने के बाद यहाँ पे लोकेलिटी या कौन सा लोकेशन कहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था, रास्ते मालूम नहीं थे मुझे। तो शुरू के दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस था, लोगों को रिलेशन बिल्ड करने का थोड़ा सा मेरे पास एक्सपीरियंस था, लोग मेरे पास कैसे आएंगे इसका भी मेरे पास अनुभव था। तो बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद जुटने लगे, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आने लगा, कि बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ पे इनवाइट करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग संतुष्ट होने शुरू हुआ। तो न्यूट्रिशन क्लब हमने स्टार्ट वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से रन करना स्टार्ट किया। अभी न्यूट्रिशन क्लब का ये मेरा जर्नी हो गया। ओके, तो न्यूट्रिशंस क्लब में क्या काम चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो न्यूट्रिशंस क्लब जो टाइमिंग है मॉर्निंग, सभी न्यूट्रिशंस क्लब जो है वो 5 o'clock को ओपन होते हैं। ओके, मॉर्निंग 5 o'clock ओपन होते हैं, लेकिन उनका क्लोज होने का टाइमिंग नहीं रहता है, सभी वेलनेस कोचेस के डिपेंड रहता है, किसका 7 o'clock होता है, किसका 8 o'clock होता है, किसको 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। ओके, तो बहुत सारे लोग 8 o'clock तक कस्टमर आते हैं, उनको सर्व करते हैं, उसके बाद 11 o'clock तक वो स्टडी करके बैठते हैं। ओके, सभी वेलनेस कोचेस का टाइमिंग नहीं है बंद करने के, तो उनके ऊपर डिपेंड है। तो न्यूट्रिशंस क्लब में 5 o'clock आने के बाद सब हम न्यूट्रिशन क्लब का जो मतलब हाइजीन रखना, उसको अच्छे तरह से सब रेडी करना, लोग आना स्टार्ट होते हैं। ओके, 5:30 को हमारा फर्स्ट बैच रहता है, 5:30 को जैसे हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, म्यूजिक के साथ लाइटिंग रहता है, ग्रुप एनर्जी रहता है। ओके, रोज़ शेड्यूल अलग रहता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इंस्पायर होना स्टार्ट होते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा, वेल ट्रेंड हम सभी वेलनेस कोचेस वहाँ पे लेते हैं। ओके, रोज़ अलग रहता है, तो लोग वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट आना लगता है, उनको बोर नहीं होता है। ग्रुप एनर्जी में अच्छा म्यूजिक के साथ हम एक्सरसाइज लेते हैं, उनको बॉडी को एक टोनिंग मिलता है, उसके तुरंत एक्सरसाइज होने के बाद हम वहाँ पे उनको एक अच्छा न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तो लोगों को वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, ग्रुप एनर्जी के साथ वो लोग पॉजिटिव में रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा आते हैं, तो हम उनको बहुत ही अच्छा सर्विस वहाँ देते हैं। ओके, तो इस ड्यूरिंग तो हम उन लोगों को मतलब एजुकेशन भी देते हैं, मतलब जैसे हम कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया। ओके, जैसे हम विटामिन्स बारे में बताया। ओके, जैसे हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम बारे में बताने वाले हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया, तो ऐसे बहुत सारे हम वहाँ पे उनके साथ एजुकेशन शेयर करते हैं, जैसे कि उनको मतलब जैसे उनका वेट लॉस होगा तो लॉन्ग टाइम फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ हम बहुत सारा वहाँ पे नॉलेज डे बाय डे उनको शेयर करते हैं, जैसे कि एसिडिटी क्यों होता है, सिर दर्द क्यों होता है। ओके, बीपी शुगर होने के कारण क्या रहते हैं, लाइफस्टाइल कैसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, आपका एक हेल्दी मील कैसा होना चाहिए।
तो इसके बारे में सभी जो हम उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग के वक्त या वन ऑन वन कॉल के वक्त, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेके क्लब को, न्यूट्रिशंस क्लब को आते हैं। ऐसा हमारा मॉर्निंग का काम चलता है। ओके, फर्स्ट बैच जैसे ही ख़त्म होता है हम सेकंड बैच रन करते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग को उनको जॉब को जाना पड़ता है, तो वो लोग जो है वो 5:30 को मॉर्निंग को एक्सरसाइज बैच अटेंड करते हैं और वो जल्द से जल्द 7 o'clock तक फ्री होते हैं। अभी जो भी लोग रात देर तक सोते हैं और मॉर्निंग को ज़रा लेट उठते हैं, तो उन लोगों को हम 7:30 को सेकंड बैच शुरू करते हैं वहाँ पे। ओके, 7:30 का बैच भी जो है वो इसी तरह चलता है। ओके, जो 5:30 को सेम डुप्लीकेशन हम 7:30 पे करते हैं। ओके, 7:30 को जो भी बैच हुआ है, जैसे ही म्यूज़िक बजे थे, ओके, जैसा इनर्जी था हमारे एक्सरसाइज लेने का, उसी एनर्जी से हम 7:30 के हमारे सभी लोगों के साथ हम लेते हैं। ओके, तो तुरंत उसके बाद हम फिर से उनको न्यूट्रिशन शुरू करते हैं वहाँ पे। ओके, न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, उसी तरह से उनके साथ हम नॉलेज शेयर करते हैं। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, लोगों को एक्सरसाइज भी मिल रहा है, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है और उसके साथ उनको एक एजुकेशन भी मिल रहा है। ओके, ये सब मिलने से क्या होगा, जैसे ही वो लोग उनका जितना भी गोल है फिटनेस गोल वो अचीव करने के बाद लॉन्ग टाइम वो फिटनेस वैसे ही रख सकते हैं। ओके, वैसे ही फिट रह सकते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ, एक फ्रेंडली हमारे साथ उनका एक रिलेशनशिप जुड़ जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे वो एक अच्छा रिलेशन में एक फ्रेंड बन जाते हैं। ओके, तो बिकॉज ये इमोशनल यहाँ पे हम टच में रहते हैं। ओके, तो एक बार दिया और उधर ही गया ऐसा कभी भी नहीं होता है, बिकॉज हमारा प्रोग्राम लेने के बाद हमारे डेली उनसे फॉलोअप रहता है, उनसे बातचीत रहता है, एजुकेशन सेशंस रहते हैं अलग अलग, इसमें कोच कैसा बन रहा है, इस कैसा बनना है मेरे तरफ, ये अपॉर्चुनिटी हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो लोग इंस्पायर होना स्टार्ट होते हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ बनाए रहते हैं। ओके, तो ये हो गया मॉर्निंग के बैच। तुरंत हम थर्ड बैच भी शुरू करते हैं। ओके, इस दरमियान बहुत सारे लोग भी आते हैं, जो नए लोग हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, उन लोगों का फॉर्म भरना शुरू होता है, उन लोगों का हाइट लेना शुरू होता है, उन लोगों का करड़ा मशीन पर चेकअप शुरू होता है। ओके, उन लोगों का कितना मतलब फिटनेस गोल है उसके बारे में उनका एक प्रॉपर वहाँ पे काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में उनको सभी पैरामीटर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन उनको बताते हैं। ओके, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या है, एक बॉडी एनालिसिस शीट रहता है, उस पर उनका सभी इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि उनका नेम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, बर्थ डेट रहता है, मतलब उनका मोबाइल नंबर रहता है। ओके, उसके बाद उनका एज रहता है, हाइट रहता है, उनका एक प्रॉपर क्या मील लेते हैं वो एक रहता है, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, उनको कौन से डिस्कम्फर्ट्स है, इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन हम उस बॉडी एनालिसिस पर लेते हैं। बिकॉज वो फॉर्म पढ़ते ही हमको सामने जो आदमी बैठा है उनका लाइफस्टाइल कैसा है हमको उसमें नज़र डाले तो समझ जाता है। ओके, समझ में आता है। तो उन लोगों को कैसा प्रोग्राम चाहिए, उन लोगों को कौन सा टाइम चाहिए, उन लोगों को मतलब उनका वेट क्या है, BMI क्या है, ये सभी हम इसका स्टडी करके उस प्रोग्राम में हम उनको मतलब वहाँ पे हम उन लोगों को एंट्री देते हैं या एडमिशन देते हैं। ओके, ऐसा इसमें प्रोसीजर भी चालू रहता है कंटिन्यू। मैं सेकंड बैच तक आया था, अभी थर्ड बैच जो है हम 11:30 को यहाँ पर रन करते हैं, सभी वेलनेस कोचेस करते हैं, तो वो रहता है हाउसवाइफ बैचेस। ओके, तो हाउसवाइफ बैचेस अभी क्यों, इसका क्या इंटेंशन है, तो मॉर्निंग को जब हाउसवाइफ बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, मतलब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ओके, मतलब उनके घर वाले जॉब को जाते हैं, तो उनको बहुत सारा काम रहता है हाउसवाइफ लोगों को, मतलब वो 10 से आगे फ्री हो जाते हैं, मतलब उनके लिए हम स्पेशल बैच यहाँ पे रन करते हैं। 11:30 को हाउस वाइफ जो है वो वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, 1 घंटा वहाँ पे 1 आवर एक्सरसाइज चलता है। 12:30 को हम उनको मतलब एक प्रॉपर मील, फिर से हम उनको एक न्यूट्रिशनल मील देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लगातार मॉर्निंग के 3 बैचेस वहाँ पर रन होते हैं। ओके, उसके बाद इसके बाद हम बहुत सारे उनका फॉलोअप रहता है, जैसे कि लंच में क्या क्या लेते हैं, हम प्लेट्स उनसे शेयर करते हैं, वो लोग हमसे प्लेट शेयर करते हैं। ओके, उनके खाने में क्या क्या रहना चाहिए, उनको एक डाइट, प्रॉपर डाइट दिया जाता है, एक इंटरेस्टिंग डाइट रहता हो जो कि आपको कहीं पर भी बोर नहीं लगता है और कहीं पर भी वो वहीं वहीं चीज़ें वहाँ पर रिपीट नहीं होती। ओके, ऐसा एक डाइट प्लान रहता है। अभी
आफ्टरनून का जैसे ही थर्ड बैच ख़त्म होता है, ओके, थोड़ा सा बीच में रेस्ट रहता है लोगों को, वेलनेस कोचेस कंटिन्यू उनका काम चालू रहता है, ओके, उनका फ्लायर्स देना काम चालू रहता है, न्यूट्रिशंस क्लब में जो भी साफ सफाई हो वो चालू रहता है, प्रोडक्ट्स मंगाना वो रहता है, ओके, कुछ मेंटेनेंस का काम हो, ऐसा मतलब न्यूट्रिशंस क्लब का जो भी काम है वो कभी भी रुकता नहीं है, न्यूट्रिशंस क्लब का काम कंटिन्यू चालू ही रहता है, जो फिट कोच है उसका काम कंटिन्यू चालू रहता है, ओके, जैसे कि अकाउंट के बारे में काम होते हैं, ओके, जैसे कि पेपर्स के बारे में काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम मतलब वहाँ पे न्यूट्रिशंस क्लब में कंटिन्यू चालू ही रहते हैं, कभी मतलब इस 15-16 आवर तक कभी भी न्यूट्रिशन क्लब बंद नहीं होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिंग बैच, एक स्पेशल लेडीज़ बैच है उसका एक हम वहाँ पे इंतज़ाम किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो रहते हैं मॉर्निंग को चले जाते हैं जॉब को, आफ्टरनून रिटर्न आते हैं, तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग को बिजी रहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम यूनिंग बैच में शिफ्ट किए हैं, तो वो भी लोग वहाँ पे सेम वैसे चलते हैं, हमारा जो यूनिंग का बैच है वो 5 o'clock स्टार्ट होता है, ओपन होता है और 6 को क्लोज होता है, तो उनके साथ ही वहीं किया जाता है, ओके, तो उनको आफ्टर एक्सरसाइज एक अच्छा न्यूट्रिशनल वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, उसके बाद उनके साथ अच्छा हेल्थ टॉक नॉलेज हम शेयर करते हैं, ओके, ऐसा ही लगातार हमारे न्यूट्रिशंस क्लब में हम सभी लोगों को मतलब हमारे जो सभी वेलनेस कोच है अलग अलग सिटी में, इसी तरह से वहाँ पे उनका डेली मेथड ऑपरेशंस वहाँ पे काम चलते हैं, इसी तरह से ऑपरेशंस करते हैं सभी न्यूट्रिशंस क्लब में, ओके, अभी इसमें मतलब इसमें बहुत सारा अभी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हम एवरी संडे हम लोगों को आउटसाइड लेके जाते हैं, जैसे कि उनको फ्रेश लगता है, ओके, न्यूट्रिशंस क्लब में स्प्राउट्स पार्टी होते हैं, न्यूट्रिशंस क्लब में अप्रेश पार्टी होते हैं, न्यूट्रिशन प्लस में शेक पार्टी होते हैं, न्यूट्रिशन क्लब में रिपब्लिकन डे, इंडिपेंडेंस डे, वुमेंस डे, दिवाली, ओके, ये सब फेस्टिवल हम न्यूट्रिशंस क्लब में हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, के सभी लोगों को एक अच्छा लगता है, जब भी फेस्टिवल होता है तब हम सभी लोगों को मतलब गिफ्ट्स देते हैं, ओके, वहाँ पे हम अच्छा एक मतलब उस दिन हम स्पेशल शेक बनाते हैं, ओके, डेजर्ट शेक, अलग अलग मतलब फ्लेवर के शेक बनाते हैं यहाँ पे। अभी इसके दरमियान आपको बताता हूँ, एवरी 6 डेज वहाँ पे चेकअप होता है, ओके, करड़ा मशीन पर वेट और फैट एनालिसिस किया जाता है, मसल्स कितने बड़े हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस सभी बारे में वहाँ पे चेकअप होता है, और फर्स्ट डे जब चेकअप होता है तो उनका वहाँ पे एक अच्छा रिकग्निशन होता है, उनको एक अच्छा हम मोटिवेशन देते हैं उन लोगों को, ओके, ये हो गया फर्स्ट वीक का। जैसे ही वो लोग 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास 60-70 kg तक वेट लॉस किया है, इन सभी लोगों का जैसे ही फर्स्ट 5 kg का माइलस्टोन अचीव करते हैं वैसे हम उनको गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं, 10 kg का माइलस्टोन तो गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगातार न्यूट्रिशन क्लब में शुरू रहता है, ओके, तो बहुत सारे फेस्टिवल, जैसे अभी स्प्राउट्स पार्टी के मतलब समझो अभी ग्रीन मूंग के कौन से रेसिपी बनते हैं उससे क्या क्या हम कर सकते हैं रेसिपीज़, अलग अलग कौन से पदार्थ जो है उनसे हम बना सकते हैं, एग्स है, बहुत सारे पनीर है, इसके कौन से हम आइटम बना सकते हैं, तो ऐसा हम एक प्रॉपर स्प्राउट्स पार्टी का हम वहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं, ओके, इसको हम स्प्राउट्स पार्टी कहते हैं। शेक पार्टी लेते हैं, बहुत सारे लोग नए ज्वाइनिंग होते हैं, ओके, बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट किए रहते हैं, कस्टमर के रिलेटिव्स, कस्टमर के फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग आते हैं उनके लिए हम वहाँ पे शेक पार्टीज़ भी रखते हैं, बिकॉज उन लोगों को हम प्रॉपर शॉर्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देके उन लोगों को हम क्या क्या करते हैं, प्रोग्राम्स कौन सा है, इसके बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोग वहाँ पे वो ज्वाइन होना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से न्यूट्रिशंस क्लब का काम कंटिन्यू चालू रहता है। समझो अभी मैं गुलबर्गा हूँ, सोलापुर में कोई मुझे इनवाइट किया वहाँ पे इवेलेशंस कैंप के लिए, मतलब उनको एक गाइडेंस चाहिए न्यूट्रिशंस के बारे में, तो हमारा टीम वहाँ पर भी जाती है, वहाँ पर भी हम लोगों को मतलब चेकअप करते हैं, वहाँ पर भी लोगों को हम बहुत सारा वहाँ पर नॉलेज शेयर करते हैं, और उन लोगों को हम न्यूट्रिशंस क्लब में ज्वाइन करवा के लेते हैं, ओके, तो ऐसा काम न्यूट्रिशंस क्लब में कंटिन्यू चालू रहता है। ड्यूरिंग, जैसे भी अभी मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मेरे तरह ही एक और एक वेलनेस कोच होना चाहिए, बिकॉज
इस सिटी में बैठा हूँ, अलग कौन सा कोई सिटी में, वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए और एक वेलनेस कोच चाहिए, तो क्या करना होगा? तो ड्यूरिंग इस सेशन जो न्यूट्रिशंस क्लब में हम मेरे जैसे जो न्यूट्री वेलनेस कोच रहते हैं उनको हम ट्रेंड करते हैं। मतलब वेलनेस कोच कौन रहते हैं? जो लोग वहाँ पे मतलब वेट लॉस के लिए आए रहते हैं, जिसको फिटनेस गोल अचीव करना रहते हैं, उनमें से ही हम चुनते, उनको ही हम अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। ओके, वही लोग डिज़ायर के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसमें बहुत सारा डिज़ायर रखते हैं, बहुत सारे लोग उनको अच्छा लगता है काम करने को, लोगों को ख्याल रखने में अच्छा लगता है, रिलेशंस में अच्छा लगता है, पीपल्स बिजनेस में अच्छा लगता है, तो उन लोगों को हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं हम उनको। तो उन लोगों के साथ हम ये सभी ट्रेनिंग्स, सभी मतलब एजुकेशन, उनको अच्छा एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ये सब हम हमारा एक जो फार्मूला मेथड जो फिक्स है, उन लोगों के साथ हम अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब 3 मंथ 4 मंथ में एक अच्छा वेलनेस वहाँ पे कोच रेडी होता है, और उनको कहीं पर भी उनको एक हमारे जैसा जो न्यूट्रिशंस क्लब के बारे में अभी बता रहा हूँ, कहीं पर भी न्यूट्रिशंस क्लब उनको खोलना है तो वहाँ जाके वो एक सक्सेसफुल वेलनेस कोच तरह वहाँ पे काम करते हैं। तो मल्टीपल सिटीज़ ओपन होते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में वो लोग वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हेल्प करते हैं, उनके भी कस्टमर्स बनते हैं। ओके, वहाँ पर भी सेम यही मेथड कंटिन्यू चलता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स आते हैं, उनमें से ही नए नए वेलनेस कोचेस रेडी होते हैं और वैसे ही डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ये काम कंटिन्यू चालू रहता है, कहीं पर भी नहीं रुकता है, कहीं पर भी हमारे वेलनेस कोच थकता नहीं, रुकता नहीं, कंपनी उसका काम चालू रहता है। अभी ये इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी मतलब बहुत सारा हमको सपोर्ट रहता है, अलग अलग मतलब सेमिनार्स रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, कंटिन्यू हमारे मोटिवेशनल मतलब बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं, हमारे मेंटर्स, हमारे हमारे स्पॉन्सर्स, ये सब लोग हमको कंटिन्यू तौर पर एजुकेशन हमको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे हमारे जो न्यूट्रिशन क्लब बिजनेस में हम आगे ही बढ़ते रहते हैं, अगला जो लेवल है हम अचीव करने के लिए कंटिन्यू हम प्रयास करते हैं वहाँ पे। ओके, अभी ये हो गया न्यूट्रिशन क्लब का Part 1। ओके, आज तक ऐसा सब कुछ चलता था, अभी आप सभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं लॉकडाउन का, जिम नहीं खोल कर सकते, 10 मतलब 2 लोग एक जगह पर नहीं आ सकते हैं पब्लिक प्लेस पर, तो ये सब सारा दिक्कत जो है हम अभी एक साथ मिलकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अभी हम फिलहाल अभी न्यूट्रिशंस क्लब नहीं खोल सकते। ओके, कौन भी जिम नहीं खोल सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आया है, लेकिन मुश्किल नहीं बोल सकते हैं, अभी हम इसका जो कन्वर्जन है जो ऑफलाइन न्यूट्रिशंस क्लब था, अभी हमने ऑनलाइन न्यूट्रिशंस क्लब में शिफ्ट किया है। ओके, तो हम सेम जैसे ऑफलाइन न्यूट्रिशंस क्लब चलते थे वैसे ही हम ऑनलाइन न्यूट्रिशंस क्लब चलाने वाले हैं। ओके, अभी समझो आप घर में हो, हम आपके साथ शेक लेने वाले हैं उसी टाइम में, समझो आपको आप घर में हो, घर में हम एक्सरसाइज हम यहाँ से ऑनलाइन लेने वाले हैं। ओके, आपका वीकली चेकअप आप ऑनलाइन चेक करके हमको मैसेज करना है, मतलब आपको प्रोडक्ट्स खरीदने से लेकर आपको वेट चेकअप तक, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन से लेकर अपॉर्चुनिटी तक, ये सब जो सर्विसेज हैं हम आपको मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आपको सिर्फ वेलनेस कोचेस को टच में रहना है, वेलनेस कोचेस के साथ आपको संपर्क बनाए रखना है, ये सभी आपको जो इंफॉर्मेशन है, सभी मतलब प्रोडक्ट्स बोलिए आप, एजुकेशन बोलिए, ओके, अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, ये ऑनलाइन न्यूट्रिशंस क्लब क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, हमारा मतलब आपको फर्स्ट ही बताया हमारा इंटेंशन क्या है, मेकिंग वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। ओके, सबको हेल्दी बनाना है, सबको हैप्पी बनाना, ठीक है, हमारा इंटेंशन है। उसके लिए कहीं पर भी हम मतलब ऐसा हमने काम शुरू किया जो ऑफलाइन से कन्वर्ट होके ऑनलाइन, ऑफलाइन से हम ऑनलाइन आ चुके हैं। ओके, अभी कौन से भी सिटी में लोग हमारे कस्टमर्स रहने दें, कौन से सिटी में हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहे, तो वहाँ तक हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
हम आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो आपको कभी कहीं पर भी आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे ऑफलाइन के जो न्यूट्रिशंस क्लब थे, वैसे ही हम ऑनलाइन आपको सर्विसेज देने वाले हैं, ओके। तो आप फिट रहना चाहिए, हमारा यही इंटेंशन है, ओके। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना चाहिए, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी बेहतर होना चाहिए, ओके। आप मतलब लॉन्ग टाइम तक आपका फिट जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, ओके। आप सदा फिट रहना चाहिए, यही हमारा इंटेंशन है, यही हमारा मतलब हमारा हेतु है, ओके। तो आप सभी वेलनेस कोचेस को पूछ सकते हैं कि इसका कैसा मतलब क्या प्रोसीजर है, कैसा है, ओके। तो सभी वेलनेस कोचेस आपके साथ रेडी हैं, आपको मतलब आपको एक अच्छा सर्विस देने के लिए रेडी है सभी लोग। तो न्यूट्रिशंस क्लब का ऐसा हमने ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में शिफ्टिंग किया है, इसका आप सेवाएं ले सकते हैं, ओके। तो इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है, आप सभी लोगों को सर्विस आपको इजी मिल जाएगा, ओके। इसमें कौन सा भी एक टाइम में आपके लिए मतलब सभी लोग अभी घर में हैं, सो कौन सा तो एक टाइम में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। घर में न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, एक अच्छा आप डाइट जो प्लान है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। वीकली आप वेट कर सकते हैं, और आपको वेलनेस कोचेस को भेजना है, वो अपडेट करते रहेंगे, ओके। तो कहीं पर भी किसी को भी मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रिशन क्लब में ऑनलाइन शेक पार्टीज़ हो, ऑनलाइन स्पॉर्ट्स पार्टीज़ हो, ये सभी जैसे ही अपने न्यूट्रिशन क्लब में सभी काम चालू थे, वैसे ही हम सभी काम हम ऑनलाइन लेने वाले हैं, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो थैंक यू सो मच, आज के दिन इतना ही था, मुझे न्यूट्रिशंस क्लब में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी मुझे, ओके। तो ऑफलाइन से हम ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, एक मैसेज आपको मुझे आप तक पहुंचानी थी, ओके। तो आप मतलब आप अभी तो मत सोचिए न्यूट्रिशंस क्लब हमारे नहीं खोलेंगे, ओके। तो जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं आता, 10 लोग एक साथ आएंगे तभी हम न्यूट्रिशन क्लब ओपन कर पाएंगे। लेकिन आपको सर्विस देने में हम कहीं पर भी कम नहीं पड़ेंगे, आपको ऑनलाइन सर्विस, ओके, आप तक प्रोडक्ट्स पहुंचाना, न्यूट्रिशंस पहुंचाना, हम कहीं पर भी कम नहीं पड़ने वाले हैं। तो आपको लगातार हम सेवा देने वाले हैं, लगातार आपको हम सर्विस देने वाले हैं, ओके। लगातार आपको एक अच्छा हेल्थ गोल अचीव होने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं, ओके। जैसे ही हम न्यूट्रिशन ऑफलाइन में चलाते थे, वैसे ही ऑनलाइन न्यूट्रिशंस क्लब में आपको सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो इन दिनों आपको सभी को मालूम है हमारा अपना खुद का इम्यून सिस्टम बढ़ाना बहुत ही मतलब आवश्यकता है, एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यकता है, न्यूट्रिशंस लेना बहुत आवश्यकता है, खाने के बारे में सभी को मतलब अवेयरनेस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैलोरीज़ के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ओके। इसके बारे में सभी को अवेयरनेस रखना, अलर्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। मतलब आप अभी मतलब फिटनेस के लिए प्रयास करेंगे तो आप फ्यूचर में एक आप फिटनेस गोल अचीव कर पाएंगे, आपका फिटनेस वैसा ही रखने के लिए हेल्पफुल होगा, ओके। कहीं पर भी आगे जाके आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होंगे कौन से भी हेल्थ रिलेटेड, ओके। तो रोज़ को रोज़ एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशंस लेना है, ओके। आपको अच्छा आपको मतलब हैबिट्स डालने हैं, जैसे हम बहुत सारे सेशन में आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, ओके। एक अच्छा टाइम फॉलो करना है आपको, कोच से बातें करने हैं, कोच से गाइडेंस लेना है आपको, ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू मतलब कंसिस्टेंट रखना है, तो ही आप एक्टिव रह पाएंगे, तो ही आप एक अच्छा हेल्थ गोल आप अचीव कर पाएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, आज के दिन इतना ही आपके साथ मैं शेयर करने वाला था न्यूट्रिशंस क्लब के बारे में। अभी आपको ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब में बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सभी जो वेलनेस कोचेस हैं उनको आप संपर्क कर सकते हैं, आपके जो फिट वेलनेस कोच हैं उनको संपर्क कर सकते हैं, आप जिस भी क्लब में ऑफलाइन न्यूट्रिशंस क्लब में जाते थे उन लोगों को आपको कॉल करना है और उन लोगों के साथ एक अच्छा सर्विस लेके आपका फिटनेस गोल आपको अचीव करना है, ओके। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े और सभी लोग आपने मेरा जो न्यूट्रिशंस क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन आपने सुना,
ओके, तो आप सभी लोग रोज़ यहाँ पे हाजिर रहते हैं, मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे भी मुझे आप सुनेंगे, मेरा जो लाइव सेशन है वहाँ पे आप हाजिर रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ओके, तो रोज़ का जो मेरा रिपीट करूँगा अभी, जैसे कि आपको घर में रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशन लेना है, मेडिटेशन करना है, ओके, कहीं पर भी नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाए रखना है, उसका रूल्स हमको कड़ी तौर पे हमको पालन करना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच, और हम नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ हाजिर रहेंगे, तब तक मुझे रजा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।